साथी इस काम को पूरा करूंगा। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो नई सरकार बनी उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में देश के अभी 1.5 करोड़ रुपए तक जिनकी एनुअल टर्नओवर है उनको सरकार पेंशन दी, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम सरकार से इस बात की सहमति ले लेंगे, लेकिन 18 से 40 साल के लोगों को पेंशन मिले, व्यापारियों को जब वो 60 साल के हो जाएंगे, ऐसा बजट टूट पाते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं होती है। उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे इस मुहिम को फौजबिकी और दुर्गापुर चैम्बर पूरे देश के अंदर हम जा रहे हैं, अभी हम तुरंत काम शुरू कर देंगे। हमारी टीम यहाँ व्यापारियों के लिए सरकार ने पेंशन की घोषणा करी है, 10 लाख रुपए तक उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की घोषणा करी है, ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही है, अभी सारे लाइसेंस खत्म करके उनकी जगह पर एक लाइसेंस होगा। व्यापारियों के अनेक समस्याओं को सरकार के साथ मिलकर हम उठा रहे हैं और मुझे ये कहना है कि सरकार का रुख पॉजिटिव है, सकारात्मक है और व्यापारी के जो कानून लगे हैं उनके ऊपर सरकार काम करना चाहती है। देश के सभी राज्य एक जैसे हैं, वहाँ पर कहीं अलग कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन ब्रॉड रूप से सब एक जैसे हैं। तो और उसमें यदि बंगाल में यदि कोई समस्या है तो बंगाल की सरकार से बात करेंगे। व्यापारी हर सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, व्यापारियों की अनदेखी कोई नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसमें कहीं कोई दो बार सोचने की बात नहीं।